7 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.7 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शन क्या होता है मैं समझा लेती हूँ आपको, डेसिमल्स में भी प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो बताई हूँ। अब यहाँ आ रहता है अपने फाइंड डिवाइड, डिवाइड कैसे करेंगे वो है। अभी जैसे 0. क्वेश्चन नंबर 1 में 0.4 डिवाइड बाई 2 है, 0.4 डिवाइड बाई 2। अब 0.4 का मैं डेसिमल में क्या वैल्यू होता है बताई थी, जैसे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो हम क्या करेंगे इसको 4/10 लिख सकते हैं। 4/10 हो गया, 4/10 डिवाइड बाई 2। 2 का मीन्स क्या है, 2/1। देन कभी भी फ्रैक्शन में क्या होता है, डिवाइड हम करते नहीं है, डिवाइड को क्या होता है मल्टीप्लीकेशन हो जाता है और रेसिप्रोकल, ये जो लास्ट डिजिट होता है ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं। वैसे ही 4/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो हमारे पास क्या आ गया, 4/20 आ गया। ये 20 आने के बाद हम कभी भी कुछ भी करेंगे, इसको जब कट करेंगे जैसे कौन से टेबल में ये आ रहे हैं तो हमें इसको 10, 100 या 1000 ऐसे ही बनाना है। तो 10 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 10 2 जा 2 2 जा 10 2 जा एंड 2 2 जा 4 आ गया हमारे पास 2/10। 2/10 आ गया तो 2/10 में क्या करेंगे हम, 2/10 का मीन्स हम डेसिमल में इसको दिखा सकते हैं 0.2। समझ में आ गया सबको कि 0.4 डिवाइड बाई 2 तो कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है 0.35 डिवाइड बाई 5। अब 0.35 ये पॉइंट के बाद दो डिजिट है, दो डिजिट है मीन्स क्या है, 35 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाय 5/1। 5/1 ही आगे आप रेसिप्रोकल करेंगे इसको, 35 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 1/5 35/500। अब 500 हो गया तो हमें इसको क्या करना है, 10, 100 या 1000 ही करना है। जैसा हमें इसको 100 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/100 5 जा एंड 7 5 जा हो गए तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 7/100। 7/100 को अभी जैसे ये 100 लिख रखे हैं तो मतलब दो डिजिट ऊपर होना चाहिए, 0.07। समझ में आ गया सबको अभी कि हमें डिवाइड कैसे करना है, ये दोनों आपको खुद को सॉल्व करना है। एनसीईआरटी बुक में देख लेना आपको क्वेश्चंस जो भी है, मैं और असाइनमेंट दे दूंगी उसको आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।